कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर आज फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के 100 सैयद चिकित्सालय में मॉकड्रिल किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संगीता अनेजा, सीएमओ, सीएमएस, अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मॉकड्रिल में एम्बुलेंस में पेशेंट को लाना, पीपी किट पहनकर पेशेंट को स्ट्रेचर पर ले जाना, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना, ऐसी तमाम चीजें मॉकड्रिल में की गई। वहीं सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी का कहना है कि जो ओमिक्रॉन नाम तीसरी लहर आ रही है उसको लेकर हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। कोई भी पेशेंट आएगा तो उसे तुरंत भर्ती कर लिया जाएगा और उसे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेकंड वेव के बाद अभी ओमिक्रॉन आया है, पूरे काफ़ी कंट्री में है और इंडिया में भी आ गया है। और क्योंकि इसका जो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी आ सकता है, इसके लिए तैयारी 17-18 में आज मॉक ड्रिल है, आज 17 है, कल भी होगा। और हमारी 6 जो वो हैं मेडिकल कॉलेज है, दूसरा सिकोबाद है, एक का है जसराना है और टू जाटव है, ये हमारी तैयारी है। 6 सेंटर है हमारे, उसकी तैयारी है L1 L2। और जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल मैम यहाँ हैं, CMS साहब हैं और ये SMO मैडम हैं, सब लोग पूरा हमारे स्टाफ हैं। और जैसे हमने देखा कि पेशेंट को कैसे लाया गया, कैसा असेसमेंट किया गया, फिर वार्ड में कैसे शिफ्ट गया, उसके बाद बाईपैप कैसे लगाया गया, कैसे ऑक्सीजन ड्रिप लगाएगी, सब तैयारियाँ ठीक हैं। और अब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ में कि वी आर रेडी टू, मतलब अगर कोई अगर पेशेंट आता तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए सेवा करने के लिए। धन्यवाद।